Hello friends, welcome to Study Khazana, and I am Kartika. I'll be taking up chapter 2 of your 11th class textbook, that is Indian Constitution at Work. Second chapter जो है book में, that is Rights in the Indian Constitution. Today we people will be discussing about the fundamental rights, you know, कि जो rights हैं, you know, that is ensured, that is given in our constitution. How does they work? कितने successful हैं? You know, क्या है, everything related to the fundamental rights, you know, of the citizens. So we people are going to discuss it. अब when we talk about rights, एक introductory हम वो आपको दे देते हैं कि इस chapter में जो जो चीज़ें आप पढ़ेंगे. So in the very introduction it is कि constitution जो है वो सिर्फ इस बारे में नहीं कि भैया जो government है वो कैसे काम करती है या government के आपस में क्या relations है, सिर्फ इस बारे में तो नहीं है. Constitution में जो और काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं, उनमें से एक चीज़ ये भी, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक डेमोक्रेटिक सेटअप बनाया है जहाँ पे कि सरकार ने लोगों को राइट्स दिए हैं. यू नो, पीपल कैन एन्जॉय देयर फ्रीडम, देयर इक्वालिटी वाया राइट्स. ओके, सो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे जो फंडामेंटल राइट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3, यू नो, पार्ट 3 ऑफ योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. वहाँ पे आप देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया गया है. अब ये वाई फर्स्टली आई विल से कि बिफोर मूविंग ऑन फॉरवर्ड कि राइट्स का जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स, सो वाई वी से फंडामेंटल राइट्स एंड नॉट ओनली राइट्स. वी से कि दीज आर फंडामेंटल राइट्स बिकॉज फंडामेंटल इज समथिंग विदाउट विच यू नो इट इज़ रियली बेसिक, यू रिक्वायर इट. विदाउट यू नो दिस फंडामेंटल थिंग राइट का कोई वैल्यू रह नहीं जाएगा. तो इसलिए भी पीपल से फंडामेंटल बिकॉज विदाउट दीज राइट्स हैविंग द नेचर ऑफ बीइंग फंडामेंटल, दीज कैन नॉट वर्क वेरी प्रॉपर्ली. जैसे राइट तो प्रॉपर्टी राइट भी है, लेकिन बिना प्रॉपर्टी के एक इंसान रह सकता है. बट राइट टू फ्रीडम इज द बेसिक राइट. भैया अब आपसे जीने का हक तो नहीं छीन सकते ना. सो दिस इज अ बेसिक राइट जिसके बिना हमारे ह्यूमन एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है. Now same goes for freedom as well, same goes for equality as well. कि भैया अगर हमारे पास freedom नहीं है तो हमारी human life का मतलब क्या है? अगर हम free नहीं हैं अपने you know life की चीज़ों को करने के, अपने chances लेने के, एक profession की तरफ जाने के या कोई activity करने के लिए हमें freedom ही नहीं है, तो भैया क्या मतलब है इन rights का? कोई मतलब नहीं. तो these are fundamental things. अब equality की बात करते हैं भैया, as we say कि अगर biasness होएगी, you know, unfair practices होएंगी, तो क्या मतलब रह जाएगा rights का? कोई मतलब नहीं ना कि भैया एक group के पास ज़्यादा rights हैं एक group के you know according, तो फिर क्या मतलब रह जाएगा इन फंड. तो that's we say कि जो हमारे यहाँ पे rights हैं, these are fundamental rights, these are equally given to all the citizens, and plus ये rights के बिना you know एक डेमोक्रेसी का वर्क करना इज इट्स नॉट पॉसिबल. सो दैट्स व्हाई वी से कि इनका एक फंडामेंटल नेचर है विदाउट विच ह्यूमन एग्जिस्टेंस का ज़्यादा कोई मीनिंग नहीं है. दैट्स व्हाई वी से कि ये फंडामेंटल राइट्स हैं. दीज आर नॉट ओनली राइट्स बट दीज आर फंडामेंटल राइट्स. तो इसलिए पहले जो राइट टू प्रॉपर्टी था दैट वॉज इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट्स एंड लेटर इट गॉट डिलीटेड. दैट वॉज बिकॉज कि जो फंडामेंटल चीज़ है जैसे कि प्रॉपर्टी, दैट इज़ नॉट सो फंडामेंटल. अगर आपसे आपकी प्रॉपर्टी ले ली जाए तो स्टिल यू विल बी अलाइव, ऐसा कुछ नहीं है. सो इट इज़ जस्ट बेस्ड ऑन द मटीरियल थिंग. लेकिन बिना फ्रीडम के, बिना यू नो लाइफ के या बिना इक्वालिटी के, यू पीपल कैन नॉट यू नो एज बीइंग ह्यूमन बीइंग्स वी पीपल कैन नॉट सर्वाइव. फाइन, देन मूविंग ऑन फॉरवर्ड. अब राइट्स जो है मेंशन किए गए हैं कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी हैव फंडामेंटल राइट्स, और मेंशन किए गए हैं कि क्या लिमिट्स हैं इन राइट्स के. यू नो ऐसा नहीं है कि आपको राइट्स दिए गए हैं तो भैया आप फॉलो कर सकते हो. भैया आई हैव राइट टू लाइफ, तो ऑब्वियसली अदर पर्सन ऑल्सो हैव द राइट टू लाइफ. एंड ऑल्सो कमिंग बैक कि माई राइट इज समवन एल्सेज ड्यूटी. जो मेरा राइट है ना वो किसी और की ड्यूटी है. कि वाई वो किसी और की ड्यूटी है? क्योंकि उसे ओबे करना, अंडरस्टैंड करना कि भैया सामने वाले का ये राइट है. तो इट इज़ अ वाइस वर्सा प्रोसेस. मतलब इट गोज बाय, दोनों लोग उस चीज़ को समझते हैं दैट वी हैव फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज वी हैव फंडामेंटल ड्यूटीज. ओके, सो मूविंग ऑन फॉरवर्ड. 50 years का एक्सपीरियंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हम वो डिस्कस करेंगे, क्या स्कोप है राइट्स का, हम वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे. और आफ्टर नोइंग द राइट्स यू विल गेट अ व्यू कि भैया क्या होते हैं, एक स्कोप मिलेगा आपको कि हाँ हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो ये हम अपने फंडामेंटल राइट्स के उससे कर सकते हैं, इस हद तक हम फ्री हैं कि हम ये चीज़ें परस्यू कर सकते हैं. Then after going through this chapter you will know कि जो fundamental rights हैं, कौन से fundamental rights हैं जो कि constitution में list किए गए हैं पहली बात तो, और दूसरा कैसे इनको protect किया जाना चाहिए. Next you will also learn कि जो fundamental rights हैं इनको protect करने में judiciary का क्या role है. Okay, how is judiciary so relevant when we talk about fundamental rights? Okay, so I'll just give you a gist of this thing कि as I told you कि constitution का protector है सुप्रीम कोर्ट. सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो फंडामेंटल राइट है दैट फॉल्स इनटू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एक कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, हर बात का एक स्ट्रक्चर होना, एक ढांचा होना बहुत ज़रूरी होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी है हमारे. सो जैसे कि जो बेसिक स्ट्रक्चर, अब आप उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते. सो कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत क्लियरली बोल रखा है कि भैया फंडामेंटल राइट्स आर the it is the basic structure, it forms the basic structure, so Supreme Court protects it. And so that's how we see कि judiciary का role है बहुत ज़्यादा जब fundamental rights की बात होती है. Like we'll take up the cases जिसके अंदर इसके बारे में बात की गई है, जैसे केसवनंदा भारती केस, अ वेरी फेमस केस जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते. And it is also concerned with the fundamental rights. So we will see कि how judiciary is playing an active role here when we talk about your fundamental rights. Moving on forward, और क्या चीज़ हम इससे learn करेंगे, that is क्या difference है between fundamental rights and directive principles of the state policy. Fine, क्या फ़र्क है इन दोनों के बीच में. So एक छोटा सा डिफरेंस बता देती हूँ कि भैया जो फंडामेंटल राइट्स है, दोज आर द राइट्स दैट इज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द सिटीजन्स, एंड जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है दैट आर द गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट, बेस्ड ऑन विच इट इज अ गाइडलाइन की जो एक दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि जो गवर्नमेंट है उसको आखिरकार कैसे काम करना चाहिए, हाउ शुड इट इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज, हाउ शुड इट वर्क, दैट गाइडलाइंस, इन गाइडलाइंस के ऊपर चल के एक सरकार काम कर सकती है. एंड लेट मी टेल यू एक बेसिक जो डिफरेंस है इनके बीच का, एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिफिकेबल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज दीज आर नॉट justifiable. you cannot move to the court saying कि भैया directive principle of state policy जो है ना वो सरकार ठीक से follow नहीं कर रही है. आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि भैया कोर्ट में जाके केस कर रहे हो आप, या कोर्ट में जाके बोल रहे हो कि नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता. लेकिन yes, अगर आपका fundamental right आपसे लिया गया है तो you can move to the court, you can ask for justice because that is justifiable. So these are the features, basic differential जो हम बात करते हैं, basic differential features के ऊपर based हम बात करते हैं, तो ये है difference between directive principle and fundamental right. Also this is given in your book. So this is the let's just conclude the introductory part of this discussion, and let's start with the chapter कि fundamental rights, as in let's start the chapter rights in the Indian Constitution. Let's the importance of the rights. Why are rights important? We are going to discuss firstly ये जो stories आपके instances के ऊपर based जो starting दे रखा है, we'll just discuss them. 1982, during the construction work of Asian Games, the government engaged a few contractors. अब Asian Games के दौरान in 1982 government ने कुछ contractors engage किए थे. ये वो contractors हैं जिनको काफ़ी large number में हैं ये, और इनको as poor construction workers from different parts of the country इनको बुलाया गया था to build flyovers and stadiums. Fine, तो ये वो workers हैं जो कि काफ़ी पुअर कंडीशंस में जिनको रखा गया था, और काफ़ी कम वेजेस जो था गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इनको पे किया जाएगा. पहला इंस्टेंस तो ये हो गया. ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट, दैट इज एक टीम बुलाई गई थी सोशल साइंटिस्ट की स्टडी करने के लिए पुअर कंडीशन, जो कि पिटिशन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर. नाउ what the scientists argued that employing a person to work for less than the minimum prescribed wage amount to beggar or forced labor, या तो ये beggar, you know, it will be considered into beggar or it will be considered forced labor, and this is the violation of fundamental right against exploitation. आपके जो fundamental right है ना against exploitation, that you can't be exploited. तो ये वायलेशन है कि एक तो आप किसी को काम करने बुला रहे हो और जो उसकी एक अमाउंट है उस काम को करने की आप उससे कम उसे दे रहे हो, तो हम इसलिए होते हैं कि आप ये तो आप भैया एक तरीके का फोर्स्ड लेबर करा रहे हो किसी से. ओके, नेक्स्ट इज कोर्ट ने एक्सेप्ट किया ये प्ली को और उन्होंने डायरेक्ट किया गवर्नमेंट को कि इंश्योर किया जाए जो इतने सारे वर्कर्स हैं यू नो उनको वेजेस मिले उनके काम के. सो वी पीपल कैन सी जो पहला वाला पार्ट था यू नो दैट इज कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बुलाए थे गवर्नमेंट ने टू बिल्ड दीज फ्लाईओवर्स एंड स्टेडियम्स, सो इनको कम वेजेस पे आपने रखा हुआ था, प्लस इनकी जो वर्किंग कंडीशंस थी लिविंग वर्किंग कंडीशंस वो भी इतनी वर्स्ट थी. सो द साइंटिस्ट व्हेन दे लुक्ड इनटू दिस मैटर दे प्रिस्क्राइब्ड कि भैया आप ऐसा नहीं कर सकते हो, this is violation of your fundamental right against exploitation. You are exploiting the other person, you can't do this. Okay, हम देख रहे हैं यहाँ पे जो right is at work right now, that is fundamental right against exploitation, and I will also mark for you people. नाउ फॉर द फर्स्ट जो हमने बात डिस्कस किया यहाँ पे जो है जो उन्होंने बोला कि भैया साइंटिस्ट ने यहाँ पे क्या चीज़ है कौन सा जो राइट है एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, दैट इज फंडामेंटल राइट. जो यहाँ पे हम देखते हैं बेसिक राइट विच इज वर्किंग हियर, दैट इज फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. सो हम ये वाला देखते हैं कि राइट इट इज वर्किंग हियर. नेक्स्ट वील सी की क्या है जो एक तरीके का आपको स्टोरी लिया गया है वो ये है मचाल लालंग was 23 when he was arrested. Now here is a person who was 23 year of age, you know 23 साल का था जब उसे अरेस्ट किया गया था. He was a resident of Chuburi village of Morigaon district of Assam. Machal was charged of causing grievous injuries. He was found mentally too unstable to stand trials and was sent to an under trial to Lokpriya Gopinath Bordoloi Mental Hospital in Tezpur for treatment. So here is a person जिसको भैया arrest किया गया था जब वो 23 साल का था, you know, and he was considered to be वो mentally unstable, उसको consider किया गया था कि वो एक trial भी जो है वो नहीं stand कर सकता, तो he was sent to a mental hospital for treatment. So मचाल he was treated successfully, उसे treat किया doctors ने, एंड उसने 2 बार जेल अथॉरिटीज को लिखा है दैट नाउ ही इज फिट टू स्टैंड इन द ट्रायल्स कि भैया अब मैं बिल्कुल फिट हूँ मैं ट्रायल्स आई कैन टेक द ट्रायल्स. लेकिन कोई भी अटेंशन ना मिल पाने के यू नो उसको जो लेटर्स थे उनको कोई अटेंशन नहीं दिया गया था. सो दैट्स वाई मचाल लालुंग ही रिमेन्ड इन जुडिशल कस्टडी. सो जी जो जुडिशल कस्टडी था वो काफ़ी लंबे टाइम तक चला. वीसी की जो मचाल लालंग है उनको रिलीज़ किया गया इन जुलाई 2005. सो ही वॉज 77 देन. सो आर यू सीइंग कि एक इंसान को 23 साल की उम्र में यू नो भेजा गया था कि भैया आपका ट्रायल चलेगा, उसको कोई ट्रायल नहीं चला क्योंकि उसको मेंटली अनफिट बोल दिया वहाँ पे. नाउ व्हेन ही गॉट मेंटली स्टेबल ही रोट ट्वाइस टू द अथॉरिटीज़, नो वन पेड अटेंशन, किसी ने अटेंशन नहीं दिया उसको. तो इस वजह से क्या हुआ कि उसका जो ट्रायल पीरियड ही था यू नो उसके बेसिस के ऊपर ही टर्न 77. इतना टाइम लग गया इस चीज़ के ऊपर एक्शन. तो जब उसको छोड़ा गया ही वॉज 77 ऑफ द एज. सो उसने कितने साल जो क्राइम के लिए उसको यू नो किया गया था डिटेन, तो उसको कितने टाइम के लिए यू नो ये सज़ा यहाँ पे स्पेंड करनी पड़ी, दैट वॉज फॉर 54 ईयर्स अंडर कस्टडी. ही वॉज अंडर द कस्टडी फॉर नेक्स्ट 54 ईयर्स. जिसके अंदर की कोई केस नहीं हुआ, उसका कोई हियरिंग नहीं हुई है इस बारे के अंदर. He was freed when a team appointed by the National Human Rights Commission intervened after an inspection of under trials in the state. और बेचारे को छोड़ा भी कब किया, जब जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो एक ग्रुप था वो आया, उन्होंने यहाँ पे देखा भैया कि कहाँ वायलेशन हो रहा है, अंडर ट्रायल्स की जब हम बात करते हैं, तो तब उन्होंने देखा भैया कि यहाँ पे एक बंदा है जिसका कभी तक ट्रायल ही नहीं हुआ है, एंड ही इज़ हियर फ्रॉम पास्ट 54 ईयर्स. देन ही वाज फाइनली रिलीज्ड व्हेन ही टर्न्ड 77 ईयर्स का वो बंदा हो गया और बिना ट्रायल के उसको इतने टाइम पे यहाँ पे रखा हुआ था. 2005 में ये बंदा छूटा. सो नाउ वी विल डिस्कस कि जो मचाल का केस है, What was it? मतलब when we talk about violation of fundamental right, does जो उसका situation है, क्या वो fundamental rights कैसे concern करता है fundamental rights को? How can we say that yes, here in the case of Machal also fundamental rights का कहीं ना कहीं violation हुआ है. So we'll see. So Machal का entire life था that was wasted क्योंकि proper trial ही नहीं हुआ उसके against. It never took place. A proper trial was not taken into consideration. एंड नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर सिटीजन को राइट देता है लाइफ एंड लिबर्टी का, राइट. तो यहाँ पे मचाल वॉज नॉट गिवन दिस राइट. वाई? बिकॉज उसका कोई ट्रायल नहीं हुआ, उसका कोई सुनवाई नहीं हुई, और उसको अंडर ट्रायल के सिचुएशन में ही, कस्टडी के सिचुएशन में ही 54 ईयर्स स्पेंड करने पड़े. सो वी कैन से येस, उसका जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी था दैट वॉज ऑन स्टेक. एंड ऑल्सो वील सी कि सिटीजन्स को राइट होता है फेयर और स्पीडी ट्रायल्स का, कि भैया एक कहते हैं ना फेयर एज इन की जो कि बायस्ड ना हो. ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ को जो हमारी जुडिशरी होती है वो हर प्रूफ को ध्यान में रखते हुए आपका जो ट्रायल होता है वो चलता है. तो ये हमारा फंडामेंट काइंड ऑफ फॉल्स अंडर दिस, कि हमारा राइट है कि हमारा जो ट्रायल होना चाहिए वो स्पीडी होना चाहिए, वो एक फेयर होना चाहिए. ओके, इट शुड नॉट बी बायस्ड इन सम किसी एक प्रूफ के उसके अंदर. तो हर एस्पेक्ट जो हमारी जुडिशरी जो है वो ध्यान में रखते हुए एक डिसीजन लेता है. सो यहाँ पे मचाल के केस में हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट दिया है ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, इट वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इट डेंट वर्क प्रॉपरली. कि भैया उसका तो जो ट्रायल है वो ही नहीं हो पाया इतने साल तक, और उसने जो उसने क्राइम किया था उसके लिए उसने इतने साल की सजा काटी विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड. ओके, सो हेयर वी सी कि कैसे जो है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ सम पर्सन वॉज एट स्टेक. तो जो हम सेकेंड यहाँ पे राइट देख रहे हैं दैट इज जो हमारा सिटीजन है उसके पास राइट है टू लाइफ एंड लिबर्टी. ओके, तो ये दो एग्जाम्पल्स के बेसिस पे समझाने की कोशिश किया गया है. ये जो दो आपने एग्जाम्पल्स देखे, एक तो लेबरर्स का और दूसरा इस एक इंडिविजुअल का जो लिया गया है. सो ये दो दिखा रहे हैं कि कैसे हमारा जो दो राइट्स हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है वो कैसे वर्क कुछ केसेस में नहीं भी कर पाते हैं. तो जो केस है पहले इंस्टेंस का दैट वाज बेस्ड ऑन द वायलेशन ऑफ राइट्स दैट इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. दूसरा है जो कि चैलेंज किया गया है कोर्ट के अंदर, तो जो वर्कर्स हैं उनको उनका ताकि जो ड्यू राइटफुल वेजेस है वो दिया जा सके. ओके, तो हम कहते हैं ना कि भाई अगर आपको आपके आप अंडर पेड जो था चीज़ कि आपको आपका एक गिवन वेज है उससे कम आपको अगर आपका दिया जाता है तो दैट इज दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ योर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, दैट यू आर बीइंग एक्सप्लॉयटेड एक्चुअली. ओके, मूविंग ऑन फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बिल ऑफ राइट्स. आफ्टर लुकिंग ऑन दीज टू एग्जाम्पल्स को देखने के बाद, ये दो इंस्टेंसेस को देखने के बाद हम अब शुरू करेंगे बिल ऑफ राइट्स. ओके, तो ये दोनों ही जो एग्जाम्पल हैं ये इंपॉर्टेंस दिखाते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है राइट्स का होना और इनका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन. सिर्फ ये नहीं है सरकार का कि भैया हाँ कॉन्स्टिट्यूशन ने तो राइट्स दे दिए हैं तो अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन का क्या होगा. तो दिस इज समथिंग दैट वी पीपल विल डिस्कस कि इम्प्लीमेंटेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट दैट दैन हैविंग राइट्स. सिर्फ राइट्स होने से कुछ नहीं होता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। और हम ऊपर के दोनों जो अभी देख रहे हैं हम इस बुक के अंदर जो टॉप ये एग्जाम्पल्स थे, उन दोनों के अंदर ये फंडामेंटल राइट्स का इम्प्लीमेंटेशन वाज नॉट प्रॉपर बाय द गवर्नमेंट। ओके, ऑल्सो टेकिंग दिस फर्दर, अब एक डेमोक्रेसी इंश्योर करती है कि जो इंडिविजुअल्स हैं ना उनके पास सर्टेन राइट्स हों, गवर्नमेंट रिकग्नाइज करे इन राइट्स को, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का यू नो एक काम है कि भैया मैंने ये कुछ राइट्स हैं जो दे रखे हैं और इनको रिकग्नाइज करना। हाउ विल नाउ द गवर्नमेंट रिकग्नाइज द राइट्स? बाय इम्प्लीमेंटिंग इट। ओके, रिकग्नाइज कैसे करोगे आप? जब तक आप इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे तब तक तो कोई काम ही नहीं है राइट्स का। ओके, तो दूसरा है कि इनका रिकग्निशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टू थिंग्स दैट आई मार्क हियर इज कि हर इंडिविजुअल के पास कुछ सर्टेन राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है आपको। नेक्स्ट इज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इन राइट्स को रिकग्नाइज किया जा सके, जो दो एस्पेक्ट्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। Therefore, we people say it is often a practice in democratic countries to list the rights of citizens. तो ये एक democratic practice होता है democratic countries का कि list किए जाएं कुछ you know, जो citizen rights होते हैं in the constitution itself। तो आप constitution में ही list करवाते हो कि भैया क्या fundamental rights हैं। Then ये जो list है that is mentioned वो protect करता है कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट्स वाई इट इज कॉल्ड, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब ये राइट्स जो लिखे जाते हैं तो इनको कहा जाता है बिल ऑफ राइट्स। दैट इज जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अ बिल ऑफ राइट्स प्रोहिबिट्स गवर्नमेंट फ्रॉम दस एक्टिंग अगेंस्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो जो ये बिल ऑफ राइट्स होता है ना ये हेल्प करता है किसके लिए कि भैया गवर्नमेंट जो है ना वो कहीं जो ये भैया कहीं अगेंस्ट एक्ट ना करने लग जाए सिटीजन्स के राइट्स के। ओके, तो एक गवर्नमेंट को रिकग्नाइज करना कि भैया ये सिटीजन्स के ये राइट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, तो ये काम होता है बिल ऑफ राइट्स का। फाइन, ताकि वायलेशन जो है राइट्स का वो ना हो पाए। ओके, सो कोई केस ना आए वायलेशन का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपके इंडिविजुअल राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करता है। अब इंडिविजुअल राइट्स एज इन जो हर हम एक सिटीजन के पास जो राइट्स है उसको कैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोटेक्ट करेगा। तो जो राइट्स होते हैं लोगों के पास दैट शुड नॉट बी थ्रेटेंड बाय सम पर्सन और बाय सम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है ना इंडिविजुअल दे नीड प्रोटेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। मान लो अगर मेरे राइट है या आपका कोई राइट है दैट इज बीइंग थ्रेटेंड, जिसको कि भैया कुछ थ्रेट है किसी और बंदे से या फिर किसी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, तो ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है दैट दे हैव टू मेक श्योर कि ऐसा कोई ना कर पाए। ठीक है, तो बहुत नेसेसरी है कि गवर्नमेंट जो है वो बाउंड हो जाए प्रोटेक्ट करने के लिए जो इंडिविजुअल राइट्स है उनको। तो हम देखते हैं कि जो ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट की जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेसी एंड इवन जुडिशरी, ये सब जो है फंक्शनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड इसका वायलेशन ना हो, इन सबको ध्यान में रखता है। ठीक है, मूविंग ऑन फॉरवर्ड नाउ। तो हमने अब ये बिल ऑफ राइट्स वाला जो टॉपिक है ये डिस्कस किया है। मूविंग ऑन फॉरवर्ड, fundamental rights in the Indian Constitution. Now we will discuss the fundamental rights. Those are given in the Indian Constitution. What are these? And आखिरकार इनका मतलब क्या है? तो हम ये इसके अंदर ये शुरू करते हैं the introductory part of the topic. That is कि भैया जब फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था तो लीडर्स ने जब फ्रीडम मूवमेंट चलाई थी तो उन्होंने रियलाइज किया था कि भैया कितना इम्पोर्टेंट है फ्रीडम का होना, यू नो, कुछ राइट्स का होना जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो थे वो एब्सेंट थे। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स व्हेन आवर कंट्री वाज कॉलोनाइज्ड वी पीपल डिडंट हैव मेनी राइट्स। ओके, हमारे पास ज़्यादा राइट्स नहीं थे, हमारे पास फ्रीडम नहीं थी। तो जो लीडर्स थे उनको पता था कि भैया ये चीज़ें नहीं थी एंड दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, फॉर अ कंट्री टू एक्चुअली जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके एक्चुअल वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये चीज़ें, तो ये उनको पता था। तो मोतीलाल नेहरू कमेटी हैड डिमांडेड बिल ऑफ राइट्स आफ्टर फार बैक इन 1928। तो एक कमेटी बैठी थी 1928 के अंदर जिसका नाम था मोतीलाल नेहरू कमेटी। आई मार्क फॉर यू पीपल हियर ऑन द स्क्रीन, जिसने डिमांड किया था बिल ऑफ राइट। कब? 1928 में। तो देयरफॉर जो नेचुरल हम बात करते हैं ना इंडिया के अंदर, ये नेचुरल चीज़ थी जो पहले से ही देखते आ रहे थे कि भैया जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, जहाँ पे इतना फ्रीडम नहीं है, इतने राइट्स नहीं है हम लोगों के पास, तो एक कॉन्टेक्स्ट, एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी सेट था कि भैया फंडामेंटल राइट्स का होना इन एन इंडिपेंडेंट कंट्री हु कैन वर्क, विच कैन वर्क इन डेमोक्रेटिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल राइट्स तो ज़रूरी दिए जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक बैकग्राउंड सेट हो चुका था एंड देन ये नेचुरल था कि आफ्टर इंडिया बिकमिंग इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर रहना था कि येस वी हैव टू हैव दिस प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हम बात करते हैं। ठीक है, तो दो ओपिनियंस है जब बात कर रहे हैं इंक्लूजन का एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स का इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला तो ये कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड द राइट्स दैट वुड बी स्पेशली प्रोटेक्टेड, इट कॉल्ड देम फंडामेंटल राइट। तो पहला जब हम बात करते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट के अंदर, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने मेक श्योर किया कि जो राइट्स है ना वो प्रोटेक्ट किए जा सकें, और ये वो राइट्स हैं जिनको कि हम बोलेंगे फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो आई विल मार्क फॉर यू पीपल ऑन द स्क्रीन। The Constitution listed the rights that would be specially protected. अब specially protected rights को बोला गया fundamental rights. Rights हैं लेकिन ये specially protected rights है, इसलिए हम इन्हें fundamental बोलते हैं। As I discussed with you people कि ये fundamental क्यों है nature के अंदर, क्योंकि इनके बिना survival is not possible. Okay, so अब discussion थोड़ी सी है on the word fundamental here. Fundamental सजेस्ट करता है वो राइट्स जो इतने इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन इसको सेपरेटली लिस्ट करे और कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए इसकी प्रोटेक्शन के लिए। यू नो दीज आर दी थिंग्स विच आर सो इम्पॉर्टेंट कि इसको अलग से किया जाना चाहिए लिस्ट, और इनका प्रोटेक्शन इनके प्रोटेक्शन के लिए प्रोविजंस बनाए जाने बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि कोई भी जो है वो इसको वायलेट ना कर पाए, कोई सरकार इसे वायलेट ना कर पाए, कोई सिटीज़न किसी और सिटीज़न का जो राइट है वो वायलेट ना कर पाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द वन हु मेड श्योर ऑफ दिस थिंग कि भैया एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट बहुत है। कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनके बिना वी पीपल से कि इन प्रोविजंस के बिना एक सिटीज़न का डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने का कोई वो नहीं है, मतलब ही नहीं बनता फिर। तो दैट्स वाई जैसे कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाने चाहिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वायलेशन इनका रोका जा सके, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन ने ध्यान में रखा। तो हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको सेपरेटली लिस्ट किया है, स्पेशल प्रोविजंस बनाया है इसकी प्रोटेक्शन के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन ने इंश्योर किया है कि ये वायलेट ना कर सके कोई भी सरकार। I have marked for you the important aspect of this thing. Next is fundamental rights are different from other rights available to us. Yes, एक और जो हम एस्पेक्ट देखते हैं कि भैया जो फंडामेंटल राइट्स है ना, दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर राइट्स दैट वी पीपल हैव, जो ऑर्डिनरी लीगल राइट्स हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि जो ऑर्डिनरी लीगल राइट्स है ना वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं और इन्फोर्स किए जाते हैं बाय ऑर्डिनरी लॉ। ऑर्डिनरी लॉ जो होता है वो रेगुलेट करता है जो ऑर्डिनरी ये हमारे होते हैं राइट्स, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं दीज आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन आपके लीगल राइट्स या फिर आपके ये ऑर्डिनरी जो राइट्स हैं इनको इंश्योर, भैया इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें ये इतना, क्योंकि ये वो राइट्स हैं ऑर्डिनरी राइट्स या फिर ये लीगल राइट्स कि इनके बिना आप रह सकते हो। तो दिस वॉज नॉट समथिंग टू बी एड्रेस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस वॉज नॉट समथिंग दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैड टू प्रोटेक्ट, दिस इज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट टू बी डन। तो गवर्नमेंट करती है ये वाली चीज़ें, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है जो इतनी अथॉरिटी हम करते हैं बात करते हैं जिन राइट्स की, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है दोज हैव बीन गिवन टू द फंडामेंटल राइट्स। ओके, सो फंडामेंटल राइट्स को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है यहाँ पे? I'll mark for you people. Protected and guaranteed by the Constitution of the country. अब जो ordinary rights हैं, they may have changed by the legislature by ordinary. अब जो तुम्हारा कह रहा हूँ ये ऑर्डिनरी राइट्स होते हैं, इनको चेंज करना आसान बात है, यू नो, फॉर द लेजिस्लेचर इट कैन एक्चुअली चेंज कर सकता है आपके ऑर्डिनरी जो राइट्स हैं उनको बाय एन ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। भैया अब लॉ मेकिंग का वो है तो आप ने लॉ बनाई, ऑर्डिनरी राइट है आपको उसको चेंज करना है, आप उसको चेंज कर दोगे, ठीक है। लेकिन जब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की तो उनको अमेंड करना, उनको चेंज कर पाना इतना आसान नहीं है हमारी लेजिस्लेचर के लिए, ओके। दैट्स व्हाई से कि फंडामेंटल राइट्स भैया जो हम देख रहे हैं एक तरीके का डिफरेंस देख रहे हैं ऑर्डिनरी राइट्स के अंदर और फंडामेंटल राइट्स के अंदर, दैट इज कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इतना यू नो महत्व जिसे हम कहते हैं इंपॉर्टेंस फंडामेंटल राइट्स के साथ जोड़ा है जो कि गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता है। तो जब हम बात करते हैं कि अगर अमेंड करना है तो अगर आपको फंडामेंटल राइट्स चेंज करना है तो आपको पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा, ओके। सो इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करते हो तो। अब कोई भी ऑर्गन गवर्नमेंट के ऐसे नहीं है जो कि भैया आप देख रहे हो कि आसानी से फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर पाए, क्योंकि वायलेट कर पाना आसान ही नहीं है ना आपको, तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा। एंड अगेन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वेरी बिग task, you can't do it just like that. It is not a matter of simple majority. It needs हम कहते हैं ना फुल मेजोरिटी वाला जो सीन होता है, यहाँ पे ये वो वाला सीन चलता है। तो हम अब इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं कि भैया जुडिशरी की कितनी पावर है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो क्या एक्शन है जो जुडिशरी लेता है टू प्रोटेक्ट इट। Okay, moving on forward with this, और executive और legislative actions भी क्या हैं कि जो judiciary है जब कभी देखता है कि fundamental rights को violate किया जाता है तो it says कि भैया क्योंकि executive और legislature ने जो काम किया है, जो policies लिया है, वो it is violating the basic structure of the constitution, it is going to restrict the fundamental rights. So judiciary has started pointing it out, it points it out, okay. So we say कि fundamental rights absolute तो नहीं है और ना ही unlimited है, ऐसा नहीं है कि जो fundamental rights हैं वो absolute हैं कि भैया ये तो है ही है, चाहे कुछ हो जाए, कोई situation हो fundamental rights तो है ही है, ऐसा नहीं है। कुछ situation as I discussed with you in my previous videos कि national emergency के दौरान आपके rights आपसे ले लिए जाते हैं, fundamental rights are included in it and जो government, और दूसरी बात क्या aspect यहाँ पे जो लिया गया है वो ये कि unreasonable मैनर के अंदर जो है अनलिमिटेड भी नहीं है, ये राइट अब ऐसा नहीं है कि भैया अबंडेंस के अंदर है, आप कुछ भी कर सकते हो कि भैया बोल दिया आपके पास राइट टू लाइफ है तो भैया सामने वाले के पास तो राइट टू लाइफ है ना, तो दैट इज ऐसा नहीं कोई आपको अनलिमिटेड उसके अंदर दे रखा है। फ्रीडम है तो फ्रीडम भी एक कहते हैं ना स्पेसिफाइड एरिया के अंदर है कि आप फ्री हो, ऐसा नहीं कि जब मन करेगा भैया मुँह उठा के हम कुछ भी कर सकते हैं, इस हद तक तो हम फ्री नहीं है। वी ऑल आर सिटीजन्स एंड वी हैव टू बिहेव लाइक वन, राइट। इफ यू हैव द फ्रीडम यू कांट ऐसा नहीं कि भैया मर्डर कर देंगे तो भैया फ्रीडम है हमारे यहाँ पे ना तो कर सकते हैं, अब ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि सबके पास राइट टू लाइफ अगर आपके पास है तो सामने वाले के पास भी है, तो आपके पास जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो एक लिमिटेड फॉर्म के अंदर है। एंड लिमिट भी कोई ऐसा नहीं कि भैया बहुत लिमिटेड फॉर्म के अंदर होगा कि भैया राइट्स तो दिए हैं लेकिन लिमिट्स उस पर बहुत ज़्यादा लगाई हुई हैं, ऐसा भी नहीं है। तो वी से कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो अनलिमिटेड नहीं है क्योंकि एक स्फीयर है, एक एरिया है जिसके अंदर आप फ्री हो, उसके अंदर ही रहकर आप इसे इंजॉय कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि फंडामेंटल राइट है तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं साइड बाय साइड, ओके। तो जो फंडामेंटल राइट्स अब नाउ वी हैव जस्टिफाइड कि एब्सोल्यूट क्यों नहीं है और अनलिमिटेड क्यों नहीं है, और गवर्नमेंट जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन डाल सकता है फंडामेंटल राइट के वर्किंग पे। ऑब्वियसली इफ अ गवर्नमेंट हैज सम रीजन टू बिलीव कि नहीं भैया ये जो राइट है ना इस पे जो लोग हैं इसकी एक्सरसाइज से सोसाइटी को इट्स नॉट गुड फॉर द वर्किंग ऑफ द सोसाइटी या फिर किसी एक ग्रुप के लिए, तो इट कैन पुट ऑन रिस्ट्रिक्शन, ओके। सो लेट्स वाइंड अप दिस टॉपिक, दैट इज योर फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इसका इंट्रोडक्टरी जो हिस्सा था वो हमने पूरा कवर करने की कोशिश किया है, हमने इसको कवर कर लिया यहाँ पे। तो वी विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट जो फंडामेंटल राइट है आपके यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी अ वेरी फंडामेंटल राइट हियर. और व्हाई इज इक्वालिटी इम्पॉर्टेंट? इक्वालिटी इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी पीपल कैन से अगर इक्वालिटी नहीं होगा, अगर इक्वल हम नहीं हैं एज सिटीजन, बीइंग सिटीजन्स ऑफ द सेम कंट्री, बीइंग सिटीजन्स इन द सेम कंडीशंस, अगर इक्वालिटी ही नहीं है तो इट इज़ द बेसिस ऑफ द डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी क्यों वर्क करता है? क्योंकि हमारे यहाँ पे सब इक्वल है. तो अगर इक्वालिटी नहीं होगा तो कैसी डेमोक्रेसी भैया? फिर तो कोई डेमोक्रेसी है ही नहीं. ठीक है, तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले भी पीपल कैन सी कि यहाँ पे दो जो है अगेन एग्जाम्पल्स के साथ शुरू किया गया है ये टॉपिक. दो सिचुएशंस हैं यहाँ पे, वील सी यहाँ पे वायलेशन कैसे हो रहा है. अगेन जैसे हमने पिछले वाले टॉपिक्स में देखा था कि वायलेशन कैसे हो रहा है फंडामेंटल राइट्स का, अगेन भी पीपल विल सी कि इन दो सिचुएशंस के थ्रू वायलेशन कैसे हो रहा है फंडामेंटल राइट्स का. ओके, सुदेश कुमार इज विजिटिंग हिज विलेज एज अ पर्सन. सुदेश कुमार वो अपने विलेज जा रहा है एंड उसको अकम्पनी करने के लिए उसका एक फ्रेंड भी जा रहा है. तो दे बोथ डिसाइड कि भैया आओ, लेट्स हैव अ कप ऑफ टी एट द विलेज रोड साइड होटल. तो उन दोनों डिसाइड करते हैं कि भैया एक होटल है, लेट्स हैव टी हियर. एंड जो शॉपकीपर है वो सुदेश कुमार को जानता है, लेकिन वो उसके फ्रेंड का नाम पूछता है और उसकी कास्ट है. ऑब्वियसली in Indian context, as we all know, ki caste is very important. So that person is asking, he is inquiring about the friend of the other person, जिसको वो नहीं जानते हैं कि भैया आपका नाम क्या है. एंड इससे अंदाज़ा obviously लग जाएगा कि वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं. तो जो शॉपकीपर है उन्होंने चाय जो सुदेश कुमार को वो एक बहुत ही अच्छे से हम देखते हैं कि भैया मग में दिया है, और जो उसका दोस्त है यू नो उसको अर्दन कप, हिंदी में हम इसको कुल्लड़ बोलते हो, तो उसके अंदर दिया है. क्यों? क्योंकि आफ्टर नोइंग द नेम द शॉपकीपर कुड सी कि वो बंदा ही बिलोंग, ही इज एक्चुअली अ दलित. यू नो Dalits are the people, you know, considered to be the backward classes of our country. These are the people जिनको आप you know we people consider इनको category में डाला गया ST SCs वाले में. तो an order is served to for the next, you know, we are discussing about the next वाला जो है चीज़. अब राइट टू इक्वालिटी की जब यहाँ पे बात करते हैं तो what you people think, जब ये सुदेश कुमार वाला जो सीन हुआ है कि क्या यहाँ पे इक्वालिटी के साथ बिहेव किया गया है? गिविंग यू नो अ कप ऑफ टी टू समवन इन अ रिस्पेक्टेबल मैनर एंड गिविंग द सेम यू नो कप ऑफ टी टू द अदर पर्सन एज इफ भैया वो इक्वल ही नहीं है सोसाइटी में. तो वी कैन सी कि यहाँ पे इक्वालिटी तो वर्क नहीं कर रहा है ना, बिकॉज द शॉप कीपर इज नॉट ट्रीटिंग द अदर पर्सन इक्वल यू नो टू द जो उसके साथ उसका जो दोस्त है उसको इक्वल ट्रीटमेंट यू नो नहीं मिला है. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे राइट टू इक्वालिटी को कहीं ना कहीं वायलेट किया जा रहा है. यू नो सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज एन ऑर्डर इज सर्व्ड टू द 4 न्यूज़ रीडर्स ऑफ अ टेलीविज़न चैनल. भैया एक ऑर्डर सर्व किया जाता है जो न्यूज़ रीडर्स हैं उनको कि दे वुड बी नो लॉन्गर रीड द न्यूज़ ऑन स्क्रीन. भैया अब आप न्यूज़ जो है एनी मोर स्क्रीन के आगे हो तो नहीं पढ़ सकते हो. एंड वाई दे ऑल आर विमेन, द रीज़न गिवन इज दैट दे आर अबव द एज ऑफ 45. 2 male news readers above the same age are not barred from presenting the news. Now again we see यहाँ पे एक तरीके का जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है भैया कि जो औरतें हैं जो न्यूज़ पढ़ती हैं यू नो 45 अबव हो गई हैं उनको बोला जाता है कि भैया अब आप न्यूज़ नहीं पढ़ सकते क्योंकि यू हैव बीन 45 अबव, तो अब आप न्यूज़ नहीं पढ़ोगे. और जब दूसरा कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि भैया जो आदमी हैं यू नो दे आर ऑल्सो ऑफ द सेम एज बट उनको बार नहीं किया गया है. क्यों? क्योंकि वो आदमी हैं. सो वी पीपल कैन सी यहाँ पे जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज एट वर्क. यू नो ये काफ़ी छोटे जो एग्जाम्पल्स हैं आपकी बुक के अंदर समझाएंगे, दीज आर नॉट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. तो काफ़ी छोटे एग्जाम्पल्स जो हैं ये हैं कि दूसरे वाले केस में हम क्या देखते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है. पहले में हम देखते हैं कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, सेकेंड में हम देखते हैं जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है. ओके, मूविंग ऑन टू द फर्दर नेक्स्ट यू नो थिंग, दैट इज़ ये दो हमने डिस्कस किए हैं ये जो एग्जाम्पल्स थे. अब इनको देखते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इनके बारे में. These are the examples जो कि clearly obviously I told you कि clear discrimination है. एक को किसी कप में देना, दूसरे को you know दूसरे कप के अंदर देना, औरतों को बोलना कि भैया नहीं अब आप आपकी उम्र हो गई है तो आप नहीं कर सकते हो ये काम. तो ये हम दोनों देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड है, एक कास्ट है और दूसरा जेंडर है एज आई डिस्कस्ड. सो क्या लगता है आप लोगों को कि क्या ये जस्टिफाइड है? क्या you know, in a democratic country where you people have fundamental rights, क्या ऐसे किसी को ट्रीट करना you know, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना, बाइस्ड ट्रीटमेंट देना एक बंदों को you know, और दूसरों को नहीं देना, इज इट गुड? क्या हमें इस तरीके का जो सोसाइटी है, हमें ऐसी सोसाइटी में रहना चाहिए? क्या हमें ये सब चीज़ों को एलिमिनेट करने की कोशिश नहीं करना है? तो किस हद तक ये जस्टिफाइड है you know? खैर जस्टिफाइड तो ये किसी भी हद तक नहीं है एनीवे. सो जो राइट है इक्वालिटी का वो ट्राई करता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ कि जो हमने टॉपिक शुरू किया राइट टू इक्वालिटी, पहले हमने दो एग्जाम्पल्स देखे. अब वी पीपल विल से कि इन दो केसेस के अंदर राइट टू इक्वालिटी कैसे वर्क कर रहा है. तो जो राइट टू इक्वालिटी है वो डू अवे करता है इन सब डिस्क्रिमिनेशन से. डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स यू नो एनीथिंग यू नो आपका रीजन, रिलीजन, ये सब बार किया जाता है जब हम बात करते हैं इक्वालिटी की. वी ऑल आर इक्वल ओके. किसी एक इंसान को उसके कलर के बेसिस पे, उसके जेंडर के बेसिस पे, उसके कास्ट के बेसिस पे, उसके रीजन, रिलीजन के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो ओके. सो दैट्स व्हाई जो राइट टू इक्वालिटी है वो एक फंडामेंटल राइट है. अगर ऐसे हमें इन बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेट यू नो करा जाना अगर शुरू हो जाए तो दिस इज़ नॉट वर्किंग एज इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री ओके. ये डेमोक्रेटिक कंट्री का फीचर नहीं है. सो ये कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं इंश्योर करता है कि इस बेसिस पे, जो ये कुछ बेसिस मैंने अभी डिस्कस किए, इनके बेसिस पे किसी के साथ भी किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ओके. सो इक्वल एक्सेस होगा जो अब वी आर टॉकिंग अबाउट कि वेयर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो उसके बेसिस पे वो कहते हैं भैया इक्वल एक्सेस होना चाहिए हर पब्लिक प्लेस का, जैसे कि कोई शॉप है, कोई होटल है, कोई प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट है, वेल्स, बेथिंग घाट्स एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप. अब ये जो सारे एरियाज हैं ये सब पब्लिक एरियाज हैं, तो भैया सबको इक्वली यू पीपल कैन गो, यू पीपल आर फ्री टू गो एंड विजिट दीज प्लेसेस. आप आराम से यहाँ पे जा सकते हैं, आप यहाँ पे नो यू पीपल हैव एक्सेस टू ऑल दीज प्लेसेस. यू कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड थिंग कि भैया कोई कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ओके व्हेन इट कम्स टू पब्लिक यू नो प्लेसेस. बट ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में तो अब मेरा घर है, मैं किसको अलाउ कर रही हूँ, किसको नहीं अलाउ कर रही हूँ, दैट इज़ अबाउट मी, मैं क्या सोच रखी हूँ दैट इज़ अबाउट मी. लेकिन पब्लिकली जब आप ये चीज़ करते हो तो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल ओके. एनीवे प्राइवेटली भी आपको इन सब चीज़ों को यू नो वी शुड नॉट प्रमोट ऑल दीज थिंग्स. सो हम बात करते हैं कि देयर कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन in this access of on the basis of caste, creed, color, sex, religion or the place of birth. तो prohibit जो right to equality है, it prohibits any discrimination in public employment on any of the above mentioned basis. ऊपर ये जो सारे mention किए गए you know the caste, creed, color, sex, religion, place of birth, इनके basis पे even आपको public employment भी मना नहीं की जा सकती कि भैया ऐसा नहीं है कि if you belong from some caste or some religion तो आइए जी आपके लिए तो नौकरियाँ खुली हैं पब्लिक वाली, ऐसा कुछ नहीं है. सबको equally you know दिया जाता है. if you are qualified enough गेट द जॉब ओके. तो दिस राइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो सोसाइटी है वो इक्वल, जो पहले हम बात करते हैं ना जब वी वर नॉट इंडिपेंडेंट यू नो, तो कास्ट सिस्टम एक बहुत डोमिनेंट सिस्टम था ओके. जेंडर जो सिस्टम था हमारा उसका कंट्री का दैट वाज एक कास्ट, हम जानते हैं कि चार कास्ट में डिवाइडेड था हमारा जो इंडिया है यू नो. और इस कैटेगरीज ये जो चार कास्ट सिस्टम के अंडर आने वाली जो कैटेगरीज है लाइक ब्राह्मण, क्षत्रियस, शूद्रस एंड वैश्यस, तो इनके बेसिस के ऊपर हर कास्ट को ना इन चार कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया था. सो आफ्टर वी गॉट इंडिपेंडेंस वी पीपल एंड द पीपल हु डिडंट बिलोंग इन एनी ऑफ द फोर यू नो कास्ट दे वर कॉल्ड आउटकास्ट, untouchable people and they were not the part of the society. they had to live separately out of the villages, okay, and जो upper caste होते थे, they never used to accept anything from them, no, they even, अब जो पहले की बात करते हैं तो इवन अगर वो आउटकास्ट को किसी को देख लेते थे ना तो भैया दोबारा नहाने चले जाते थे। तो इतना बुरा हाल जिस कंट्री के अंदर चल रहा होगा तो वहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट था जब फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे उनका ये चीज़ को रखना कि भैया राइट टू इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पास्ट एक्सपीरियंस हमारे कंट्री का चल रहा है ना वो बहुत ख़राब है। नाउ वी टॉक अबाउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सेम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आज भी कहीं ना कहीं हमको आपको मिल ही जाता है देखने के लिए, यू नो होता ही है फैमिलीज़ में। आज देख लो प्राइवेट उसके अंदर है कि डोमेस्टिक एरिया के अंदर यू कैन स्टिल सी जो डिस्क्रिमिनेशन जेंडर का चल रहा है। तो ये पुराने ज़माने में काफ़ी कहते हैं ना पब्लिकली एक्सेप्टेड था कि भैया हाँ औरतें हैं तो बाहर काम नहीं करेंगी, औरतें हैं तो भैया घूंघट में रहेंगी, औरतें हैं तो ये करेंगी, तो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ज़्यादा था। फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे नो, अगर हम इन चीज़ों को एज फंडामेंटल राइट्स नहीं देंगे लोगों को, यू नो इक्वालिटी के रूप में, तो ये जो इनजस्टिसेस हैं ये हमारी सोसाइटी में रहेगा ही रहेगा। तो जस्ट टू डू अवे विद द इनजस्टिसेस हमारे फ्रेमर्स ने हमें राइट टू इक्वालिटी दिया और बोला कि भैया इन बेसिस पे आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, यू नो आप इनजस्टिस नहीं कर सकते हो, ओके। सो दिस वाज अबाउट द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ आवर कंट्री। तो इसके ऊपर बेस्ड हम देखते हैं कि ये चल रहा था। अब जो प्रैक्टिस था, आई डिस्कस विद यू पीपल, जो प्रैक्टिस है अनटचेबिलिटी का, वो एक बहुत ये एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं अनटचेबिलिटी को कि भैया ये एक बहुत ही क्रूडेस्ट मैनिफेस्टेशन एज इन बहुत ख़राब किस्म का एक यू नो चीज़ था जो हमारी सोसाइटी में चलता था और इसको अबॉलिश किया गया अंडर राइट टू इक्वालिटी के। अनटचेबिलिटी वॉज अबॉलिश्ड जब राइट टू इक्वालिटी दिया, ओके और सेम हम देखते हैं कि जो स्टेट है उसने कोई टाइटल नहीं दिया एक पर्सन को तो एक्सेप्ट इन दी मिलिट्री फील्ड। अब ऐसा नहीं कि भैया आप सोसाइटी के अंदर अगर मान लीजिए डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं तो आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा, भैया आप तो पता नहीं क्या ही चीज़ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। यू आर वेरी मच यू नो इक्वल टू द पर्सन हु इज़ वर्किंग एट सम यू नो आपसे आपके पोस्ट पे नहीं है लेकिन आपसे अलग पोस्ट पे है, मे बी यू कंसिडर कि वो इतनी ऊपर पोस्ट पे नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, यू ऑल आर इक्वल, ओके। लेकिन जो मिलिट्री और हाँ आपके नाम के आगे ऐसे क्यों टाइटल्स लेके भी बात करना है ना, इट्स नॉट नेसेसरी। इफ आई एम अ टीचर सो इट्स नॉट कि यू नो इट विल बी लाइक टीचर आई विल बी गिवन दिस टाइटल बिफोर समवन यू नो टेक्स माय नेम टीचर कार्तिक और समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स you know I am a person who is very much equal to you all, you know to anyone else in the country, so ऐसा कुछ नहीं है। एक्सेप्ट जो टाइटल्स होते हैं वो सिर्फ मिलिट्री के अंदर लाइक कैप्टन लेफ्टिनेंट ये सब सिर्फ मिलिट्री वाला जो है उस सिनेरियो में काम करता है, ओके एंड दैट इज़ अ रियली डिफरेंट सिनेरियो, ओके। सो टॉकिंग अबाउट तो इसलिए हम कहते हैं कि जो राइट टू इक्वालिटी है that strives to make India a true democracy by ensuring sense of equality, of dignity and status among all citizens. अब जो right to equality है, I told you before कि भैया right to equality क्यों दिया है, क्योंकि इसके बिना democracy का कोई काम नहीं है। इसलिए बहुत important है कि अगर true democracy हो तो that is based कि equality मिले लोगों को, dignity यू नो एक dignified life जीने का एक मौका मिले, एक स्टेटस दिया जाए हर सिटीजन्स को कि येस what is the status of the citizens, no, that we all are the citizens, that's the status for us, right, so we all are the citizens। ऐसा कुछ नहीं है कि भैया इंडिया के ये citizens हैं और ये citizens नहीं हैं, तो we all are the citizens, चाहे हम कहीं से भी belong करते हैं, any race, any caste, any gender, we all are the citizens of the country। So taking up this forward, तो जो हमारा प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डिस्क्राइब करता है इक्वालिटी को। प्रीएम्बल मेंशन करता है दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अबाउट इक्वालिटी, यू नो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16 सब आर्टिकल 4, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स विच इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन दीज सर्विसेज अंडर द स्टेट। नाउ अब भैया है तो सही राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, मानते हैं हम कहीं ना कहीं, ठीक है, मैं भी मानती हूँ कि राइट टू इक्वालिटी है, वी ऑल आर इक्वल। लेकिन जब आर्टिकल 16 का फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पे भैया बोला गया कि सब आर्टिकल 4 तो इसमें बोला गया कि भैया जो आर्टिकल है ये प्रिवेंट नहीं करेगा स्टेट को टू मेक प्रोविजंस इन द फेवर ऑफ जो रिजर्व्ड यू नो बैकवर्ड जो कैटेगरीज है, इनको हमने रिजर्वेशन दे रखा है, ST SC दे हैव रिजर्वेशन। तो कोई भी जो सरकार है, अगर आप इस आर्टिकल को मद्देनजर रखते हो इक्वालिटी को, तो उसके बेसिस पे अगर हम किसी को रिजर्वेशन देते हैं, नो देन दैट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट वर्किंग। लेकिन वो ये कहते हैं, उन्होंने एक उसी के नीचे एक चीज़ ये भी कही है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि भैया एक रिजर्वेशन देना इज इम्पॉर्टेंट टू दीज कैटेगरीज, बिकॉज इन्होंने पास्ट में बहुत इनजस्टिस जो है वो झेला है। सो बेस्ड ऑन दैट, बेस्ड ऑन योर राइट टू इक्वालिटी, कोई भी स्टेट जो है उसको बार नहीं करा जाएगा अगर वो कोई भी प्रोविजन बनाता है इन फेवर ऑफ दीज बैकवर्ड क्लासेस, जिसके अंदर की उनको कोई अपॉइंटमेंट दिया जाता है इन द जॉब्स और या फिर उनको कोई रिजर्वेशन दिया जाता है इन सम अदर थिंग। तो ऐसा नहीं कि स्टेट को बार करा जाएगा बिकॉज भैया राइट टू इक्वालिटी चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, स्टेट कैन मेक प्रोविजंस इस केस के अंदर। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 16 सब आर्टिकल 4 एंड वील टेक अप नाउ जो अब एक कॉन्क्लूडिंग पार्ट है इस पूरे राइट टू इक्वालिटी का, कि भैया राइट टू इक्वालिटी जो है वो क्या है एक्चुअली। तो हम देखते हैं कि भैया जहाँ पे राइट टू इक्वालिटी की हम बात करते हैं तो वहाँ पे स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ये एक बहुत मायने रखती है। जब हम बात करें राइट टू इक्वालिटी की, भैया हम सबका स्टेटस सेम है, हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ठीक है, जितना कि एक पोस्ट के लिए मैं जा सकती हूँ, मैं उस पोस्ट को अवेल कर सकती हूँ, उतना ही आप लोग भी उस पोस्ट को अवेल कर सकते हो। ओके, किसी इंस्टीट्यूशन को परस्यू करना अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी परस्यू कर सकते हो, क्योंकि वी ऑल आर इक्वल, इक्वल हमारे पास सब कुछ है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे पास। सो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब क्या होता है? इट मीन्स कि ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटीज, जो हमारे सारे सेक्शंस हैं सोसाइटी के दे इंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटीज। लेकिन एक सोसाइटी के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी सोशल इनइक्वालिटी है। ऑब्वियसली इंडिया बीइंग सच अ डाइवर्स कंट्री, वी पीपल हैव काफ़ी हम कहते हैं कि सोशल इनइक्वालिटीज हमारे यहाँ पे है। तो ऐसे माहौल में इक्वल अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब है? ऐसे माहौल में हम बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लैरिफाई किया कि गवर्नमेंट कैन इम्प्लीमेंट स्पेशल स्कीम्स एंड मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब कुछ सेक्शन है सोसाइटी के जहाँ पे कि सोशल इनइक्वालिटीज काफ़ी हद तक काम करता है। तो उसमें क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि भैया सरकार ऐसी स्कीम्स बनाए, बिल्कुल ऐसी पॉलिसीज बनाए जहाँ पे कि ये जो सोशल इनइक्वालिटीज इन सेक्शन के साथ, जैसे कि चिल्ड्रन, वुमेन इन और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लासेज हैं, इनके साथ जो सोशल इनइक्वालिटी किया गया है उसको ओवरकम करने के लिए सरकार कैन कम अप विद द पॉलिसीज। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भैया आप राइट टू इक्वालिटी को ले रहे हो किसी के, तो यू कैन कम अप विद दिस। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हेन वी टॉक्ड अबाउट आर्टिकल 16 सब आर्टिकल 4 की भैया सरकार को राइट टू इक्वालिटी नहीं रोकता है। जो ये कैटेगरीज हैं जो कि सोशल इनइक्वालिटीज को जिन्होंने बियर किया है उनको अब अपॉर्चुनिटीज़ देने से तो राइट टू इक्वालिटी नहीं रोकता है। बिल्कुल हमने अभी यही डिस्कस किया था इन दी आर्टिकल 16 सब आर्टिकल 4 के अंदर। सो वाया कहाँ से कि सरकार जो वो रिजर्वेशन दे सकती है फॉर सर्टेन कैटेगरीज टू ब्रिंग देम इक्वल टू द ऑलरेडी पीपल हु आर स्टैंडिंग इन अ गुड पोजिशन ऑफ द सोसाइटी। तो रिजर्वेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है? रिजर्वेशन वो वायलेशन रोक रहा है जो कि इक्वालिटी को वायलेट करता है एक तरीके से। सो वी कैन सी कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्पिरिट है दैट रिक्वायर्स कि देयर शुड बी इक्वालिटी, देयर शुड बी इक्वालिटी के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, डिग्निटी, ये सब जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक तरीके से इंश्योर करता है। ओके, सो दिस वॉज द concluding thing of जब हमने डिस्कस किया राइट टू इक्वालिटी, दिस वाज अ कंक्लूडिंग ओवरऑल जो हम बात करते हैं अबाउट राइट टू इक्वालिटी का, तो दिस वाज ऑल अबाउट इट। So I'll now wind up today's session here. तो ये आपका right to equality हमने discuss किया इस नए chapter के अंदर. When I started, we discussed about Bill of Rights, we discussed about fundamental rights in the Indian Constitution. So this is all about the first session of mine that I delivered today on the fundamental rights. So thank you everyone. We'll continue in the next session. Thank you.